हो गई थी नेक्स्ट डे की सुबह मैं निकल गई थी ऑफिस, और सुबह का मौसम कुछ इस तरह से दिख रहा था यहाँ पे। तो बस ऑफिस गई और वापस आने के बाद का जो था सीन, हम निकल गए थे बाहर क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बाहर निकल रहे थे। लंच करने के लिए आ गए थे लंच होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू तबस्सुम का चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं बाहर से आया हूँ, जाके आई थिंक आप लोगों ने देखा ही था, मैंने लंच बाहर से किया। और आज का दिन बहुत बिजी रहा मेरा, मैंने आधा ऑफिस से काम किया, आधा घर से काम किया है। तो अभी जैसे कि मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब पूछिए मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम मम्मी के घर। अभी जो है एक अलग सी खुशी आ जाती है जब बात पेरेंट्स के घर जानी होती है। तो बहुत टाइम बाद ऊपर से जा रही हूँ, तो कभी टाइम ही नहीं मिलता था। मेरा ऑफिस हुआ अभी, फिर बीच में याया का स्कूल स्टार्ट हो गया, समर कैम्प स्टार्ट हो गया, ये वो फला फला, मतलब समझो कि अपने लिए या पेरेंट्स के लिए कुछ वक्त ही नहीं निकलता था यार। तो अभी भी जो है मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं वहीं से ऑफिस जाया करूँगी कुछ दिन के लिए, मुझे नहीं पता कितने दिन के लिए, बट कुछ दिन के लिए मैं वहीं से जाऊँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना कैब का जो ट्रांसपोर्ट है वो वहीं से शेड्यूल करूँ। तो वो एक चीज़ हो गई। अब बारी आती है दूसरी चीज़ की, पैकिंग। मुझे करनी है पैकिंग, और आज है छोटा सा फंक्शन मेरे मामा की बेटी, उनके घर बेटी हुई है, तो वहाँ पे हम लोग लेकर जा रहे हैं कुछ गिफ्ट। ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं, बस एक फ्रॉक लिया है बच्ची के लिए, तो वो मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं वो ही लेकर आई थी। आज बच्ची का 12th डे है, हम छठी कुछ बोलते हैं, तो वो आज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ग्रैंड नहीं कर रहे हैं, बस घर पे घर वाले ही कर रहे हैं। वैसे आज मेरा भी कुछ जाने का इरादा नहीं था, मतलब मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो वैसे ही मैं सोची कि मैं अटेंड कर लेती हूँ। मम्मी ने बोला कि यहीं आ जाओ मामा के घर, यहीं से हम लोग निकल जाएंगे। मेरे हस्बैंड तो आने वाले हैं नहीं क्योंकि उन्हें है बहुत सारा काम। मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि मुझे ऑफिस का काम है, आप निकल जाओ। हो सके तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, अगर उन्हें फुर्सत मिलेगी तो डेफिनेटली वो आएंगे, वरना इंशाल्लाह कोई बात नहीं। हमें भी समझना चाहिए काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है इंसान के लिए। तो ठीक है, आती नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी आ सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है, अभी मेरे हस्बैंड जो है वो याहिया को लेने गए हैं। अब डाउट है याहिया है नहीं है, दादी के घर पर घूमने गया बाहर, या पता नहीं कहाँ इफ्फत के स्कूल गए, कहाँ गया पता नहीं। तो जैसे वो आ जाएगा उसको रेडी करना है। सबसे बढ़कर याहिया की पैकिंग, बहुत ज़्यादा सामान है उसका। मेरा तो फिर भी ठीक है, ऑफिस के कुछ टॉप्स बॉटम्स रख लूँगी, दुपट्टा वुपट्टा सेट, बट उसका पूरा पैम्पर्स, वाइप्स, उसके पाउडर्स, उसका सब कुछ रखना होता है, तो वो सब करूँगी। और आप चलिए, मैं शेयर करूँगी आगे का रास्ता जो भी है आप सबके साथ। तब तक के लिए वेट करिए। बताया था कि मैंने क्या लिया है वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। सारा सब ब्यूटीफुल सा फ्रॉक जो कि शरबती कलर है, मुझे बहुत पसंद आया फ्रॉक है। ज़्यादा तो नहीं खोल पाऊँगी, पर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्यारा और डिज़ाइनर फ्रॉक है। आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये रहा ब्यूटीफुल फ्रॉक जो कि मैंने पसंद किया है। मेरे हस्बैंड की भी यही पसंद थी, तो बस यही खरीदा हमने। यहाँ निकल गए थे ऑटो में, मैं और याहिया दोनों एक साथ ऑटो में, इस तरह से इस टाइप से, और बस बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। जाने में थोड़ा टाइम लगता है, 30-40। ये थी बच्चों की खुशी, यहाँ हो रहा था फूलों से स्वागत याहिया का और सब बच्चों का। जल्दी जल्दी।
फूल लेकर आई हैं बहुत सारे, और वो मुझे बोल रही थी पहनने के लिए। अभी इतना टाइम हो चुका है, सुबह ऑफिस भी जाना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ, मैं कल पहनती हूँ। ऑलमोस्ट मैं इतना थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है। माशाल्लाह इसका कलर तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम थक चुके हैं अभी, आपने तो देखा ही होगा कितना एंजॉय किया हम सब ने। तो अभी के लिए तो मैं पोज कर रही हूँ वीडियो। आ गया है मेरा खाना यहाँ पे मम्मी के घर में। मम्मी ने बिरयानी दी है और यहाँ पे रायता है और बिरयानी है। अभी मेरा डिनर टाइम है, मैं डिनर कर रही हूँ। तो यहाँ से आया कि पैम्परिंग शुरू मम्मी और डैडी की, आया कि लाड़ फरमाइश सब यहाँ से चालू हो जाती है। तो यहाँ मैं घर आ गई थी ऑफिस से, और याह्या का मुझे बस रिएक्शन देखना था। पूरा दिन ये वेट कर रहा था, मेरे बगैर रह रहा था मम्मी के साथ, तो बस उसका रिएक्शन देखना था। इसीलिए मैंने एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे लिया है। मम्मा मेरी बेटी को बेबी, सारे बबल्स ब्लो कर रही है मम्मी। ये हम नया लेकर आए थे, वाह याह्या के बहुत पसंद है और ये बहुत एंजॉय कर रहा है। या मम्मी की तरफ देखो, ओहो वाह कितने बबल था ना। चाय और ये रहा मेरा बिस्किट, ये याह्या के लिए है। जहाँ भी आए हम ये दो चीज़ कंटिन्यू रखते ही है। आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज डे टू है, मैं हूँ मम्मी के घर पे एंड मैं ऑफिस से आ गई थी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रही थी क्योंकि 4 बजे लॉग आउट हुआ, 5 बजे घर आई, फिर मेरा एक लंबा सा मीटिंग चला जो कि कल का दिन मेरा बहुत हेक्टिक होने वाला है। ऑब्वियसली ऑफिस में कुछ बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम है, तो उस वजह से हमको टोटली अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा कल के दिन। तो बस और कुछ नहीं, बस उसी की ये प्रिपरेशन चल रही थी। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने क्योंकि मैं बहुत थकी थकी फील कर रही थी, तो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। जब भी मैं घर आती हूँ, डैडी मेरी हमेशा फेवरेट चीज़ें लाते हैं, मतलब याह्या के लिए भी लाते हैं, मेरे लिए भी लाते हैं, शमा है तो शमा के लिए भी लेकर आता है, मेरी बहन जो कि है। तो अभी आप देखिए डैडी ने मेरे लिए क्या लाया है। फेवरेट स्वीट्स जो कि डैडी लेकर आया है, मुझे हमेशा से पसंद है। कल मैं इतनी थक गई थी मैंने ओपन नहीं किया, आज मैं इसको अनबॉक्स करूँगी और देखूँगी इसमें है क्या।
वाह, ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है ऑल टाइम, इवन याया की फेवरेट मिठाई है। अब मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते, खवा या कुछ तो है इसका नाम। अरे वाह, ये भी मेरी फेवरेट मिठाई है, ये कुछ दिन पहले भी डैडी लेकर आए थे घर पे हमारे। चलो ठीक है, अभी ये थोड़ा टाइम बाद खाऊंगी, अभी तो मन नहीं है मेरा खाने का। देखो कैसे आराम से वाटर कैन के पास फोन रख के मम्मी का आराम फरमा रहा है और कार्टून देख रहा है। या नाक में उंगली, या तो ये हुआ यहया का कार्टून वॉचिंग टाइम। चलो हाथ धो, मम्मा हाथ धुलाते, चलो 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 आ जाओ। वो एक अलग सी चमक आ जाती है जब हम घर पे आते हैं, पता नहीं चाहिए तो मिठाई नहीं आके ओपन करके डब्बा चेक कर रहा है। तो या इसको नहीं खाना है, इसका हमेशा का यही नाटक होता है। मैं खा रही हूँ पूरी, ये मम्मी ने मुझे पूरी दिया है, पूरी सारी मैंने आधी दिया,